स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट अवेकनर पे, और मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह और मैं डॉक्टर सुशील। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है फर्नीचर डिज़ाइन, और आप सब लोग फर्नीचर से परिचित हैं, शायद ऐसा कोई व्यक्ति हो जो फर्नीचर का प्रयोग ना करता हो। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ अपने दोस्त डॉक्टर सुशील कुमार का। सर स्वागत है आपका टैलेंट अवेकनर के मंच पर। सर बहुत कमाल का टॉपिक है, हम सब लोग यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फर्नीचर्स को, तो सर प्लीज़ हम सबको गाइड करिए कि फर्नीचर डिज़ाइन बेसिकली क्या है। वरुण जी, फर्नीचर डिजाइन इंटीरियर डिजाइन की ही एक सबॉर्डिनेट ब्रांच है। फर्नीचर, जैसा हमने इंटीरियर डिजाइन वाले वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ा और पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों के पास स्पेस कम हुआ। अब बात आती है कि कोई भी अगर स्पेस आपके पास अवेलेबल है तो ये फर्नीचर डिजाइनर का मेन मोटो ये होता है कि उस अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस के अकॉर्डिंग कैसे वो किसी भी कस्टमर के फर्नीचर को सेट कर सके। सपोज कीजिए आपके पास स्पेस कम है, हो सकता है कि आप बेड, डाइनिंग टेबल, ड्राइंग रूम, सोफ़ा सेट, ये सारी चीज़ें एक कम स्पेस में ना लगा पाएँ, बट ये हमारी डेली नीड्स हैं, हमें इनकी आजकल की मॉडर्न लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे काम आता है एक फर्नीचर डिजाइनर, जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस के अकॉर्डिंग फर्नीचर को डिजाइन कर सके और जो उसके कस्टमर की डिमांड है उसको वो फुलफिल कर सके। जी वरुण जी। ओके, तो सर अभी व्यूअर्स के दिमाग में एक भूमिका बन गई होगी कि फर्नीचर डिज़ाइन क्या है, इसमें आगे बढ़ते हैं। सर सर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर कोई चूज़ करना चाहता है फर्नीचर डिज़ाइन को एज अ करियर? वरुण जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अभी मैंने बताया कि फर्नीचर डिज़ाइन जो है वो इंटीरियर डिज़ाइन की एक सबॉर्डिनेट ब्रांच है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में जो है इंटीरियर डिज़ाइन एंड फर्नीचर डिज़ाइन एक ही ब्रांच है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। ये एक एंट्रेंस टेस्ट लेता है जिसको डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, बट इसके अंदर वही कैंडिडेट बैठ सकते हैं जिसकी एज अबाउट टू 19 हो। अबाउट टू 19 वरुण जी इस सेंस में कि अगर कोई बच्चा 12th में पढ़ रहा है वो एक चांस बैठ सकता है इस एग्जाम में। दूसरा, जब वो लास्ट ईयर 12th पास कर ले, जैसे अगर मैंने 2023 में 12th पास की है तो एक तो मैं तब अपीयर हो सकता हूँ, एक उसके नेक्स्ट ईयर में, तो दो ही अटेम्प्ट मिलते हैं। इसी वजह से जो एज है वो अबाउट टू 19 है। मेन चीज क्या है कि दो अटेम्प्ट्स। ओके, इसी और इसके अलावा कोई फर्दर अटेम्प्ट नहीं मिलता है। इस वजह से इस चीज का ध्यान रखना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी इसमें जो है ज्यादा मायने रखते हैं। जी वरुण जी। ओके, तो सर अभी आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया तो ऑडियंस को थोड़ा और व्यू पॉइंट मिला होगा इसके बारे में। इसमें आगे बढ़ते हैं, इस कोर्स का ड्यूरेशन और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसके बारे में भी सर एक गाइडलाइन आप प्लीज़ प्रोवाइड करें। वरुण जी, सभी बैचलर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, जैसा बैचलर ऑफ डिज़ाइन की सीरीज़ में हम बता रहे हैं, इस कोर्स का ड्यूरेशन भी 4 साल का ही है, और एग्जामिनेशन पैटर्न डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, यही एग्जामिनेशन पैटर्न है। इसके अंदर दो टेस्ट होते हैं, एक प्रिलिमिनरी बेसिस पे, एक मेंस बेसिस पे। तो जो इसके अंदर क्वेश्चन पैटर्न है उसमें जो है जनरल मैथ है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश और ऐसे एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जनरल मैथ में आपकी जो है क्वांटिटेटिव मैथ चेक की जाती है। इसके साथ साथ जो इसका सेकंड पेपर है जो मेंस का है उसमें आपकी स्केचिंग एबिलिटी को भी चेक किया जाता है। फिर मल्टीपल राउंड्स होते हैं सिलेक्शन के, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको एक फर्नीचर डिजाइनर को परसू करना चाहिए, और इस एग्जामिनेशन पैटर्न को समझ के उसके अकॉर्डिंग जिस टॉपिक को जितनी वेटेज मिली है मार्क्स की उसके अकॉर्डिंग उसे तैयारी करनी चाहिए। ओके, तो सर अभी हमने इसका कोर्स ड्यूरेशन और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जाना। अभी मैं बोर्ड पे जैसे अपकमिंग ट्रेंड्स के बारे में देख पा रहा हूँ तो हमारे व्यूअर्स के मन में भी जिज्ञासा होगी कि ये बेसिकली क्या है, तो सर प्लीज़ इस पर भी कुछ रोशनी आप डालिए। वरुण जी, फर्नीचर एक ऐसी चीज़ है जो अभी से ही नहीं, एंशियंट टाइम से ही, और बहुत ही कॉमन फर्नीचर एक तो हमारा बेड होता है, दूसरा क्रेडल। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तभी से फर्नीचर से उसका जुड़ाव हो जाता है, और इंडियन माइथोलॉजी में जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तब भी आप लकड़ी पर ही जो है जाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के जो जीवन लाइफ स्टाइल है उससे फर्नीचर बहुत ही ज़्यादा एसोसिएटेड है।
अब जैसे जैसे समय का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और जो नीड आई सोसाइटी में, उसके अकॉर्डिंग वरुण जी फर्नीचर का भी डेवलपमेंट हुआ, जो उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उसमें भी जो है डेवलपमेंट हुआ। और जो चार टाइप के हमने फर्नीचर के ट्रेंड्स लिखे हैं उसमें पहला है इको फ्रेंडली फर्नीचर, मतलब ऐसा फर्नीचर जो एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुँचाए। जैसे वरुण जी फर्नीचर होता है उस पर कलर होता है, कई सारे केमिकल्स उसमें यूज होते हैं, फिर बाद में जब फर्नीचर ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसे या तो आप टोटली भाई अब डिस्ट्रॉय कीजिए, अदरवाइज उसको हम पानी में बहा देते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, तो अल्टीमेटली वो जाके वाटर, सॉयल, एयर इनको पोल्यूट करता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो फर्नीचर को यूज कर रहे हैं, फिर उसी रेशियो में जो है हमारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इको फ्रेंडली फर्नीचर आया। उसके अलावा विकर फर्नीचर है। विकर वरुण जी जैसे फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर वुड से बनता है, बट जो विकर फर्नीचर है जैसे आपने देखा होगा सी ग्रास, वाटर हाइसिंथ, इन सारी चीज़ों से बनता है, जिसको आपने देखा होगा मूढ़ा भी कहते हैं, वो भी एक प्रकार का जो है विकर फर्नीचर ही है जो चेयर की जगह यूज होता है। इसके अलावा पेंटेड फर्नीचर है, फर्नीचर पर जो है डिजाइन बनाए जाते हैं, पेंटिंग की जाती है ताकि वो और लुक्रेटिव लगे। और फोर्थ वन वरुण जी आर्ट डेको फर्नीचर, इसमें जो है ज्योमेट्रिकल शेप में जो है फर्नीचर को डिजाइन किया जाता है, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इस प्रकार से जो है फर्नीचर को डिजाइन किया जाता है। तो ये जो चार ट्रेंड हैं वो बेसिकली मॉडर्न एरा के ट्रेंड हैं जो इसमें बदलती हुई तकनीक को दर्शाते हैं। जी वरुण जी, इसके साथ वरुण जी अब हमेशा की तरह बारी आपकी आती है। मैं अपने व्यूअर्स के लिए आपसे ये जानना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड जो जॉब प्रोफाइल है और टॉप रिक्रूटर्स हैं उसके बारे में आप बताएँ। बिल्कुल सर, सबसे पहले सर थैंक यू, आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे प्रोवाइड की। तो व्यूअर्स, अभी आपने अपकमिंग ट्रेंड्स के रिगार्डिंग सर ने हमें गाइड किया था, बात आती है जॉब प्रोफाइल पे। तो जब आप जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो आप एक फर्नीचर डिज़ाइनर के रूप में जो है अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, आप प्रोडक्ट इनोवेटर के रूप में भी आगे जा सकते हैं, आप प्रोडक्ट रिसर्चर के रूप में आगे जा सकते हैं, आप एक फर्नीचर कंजर्वेटर भी हो सकते हैं और एक फर्नीचर रिजर्वेटर भी हो सकते हैं। इसके अलावा इंटीरियर डिजाइनर भी हो सकते हैं और इंटीरियर डेकोरेटर भी हो सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, बट मैं फिर वो बात कहूंगा जैसे मैं हम अपने वीडियोस में शेयर करते हैं कि आपको अपना चॉइस ढूंढना पड़ेगा जिस चीज से आप रिलेट करते हो और उसके हिसाब से अपने पैशन में आप आगे बढ़े। तो जॉब प्रोफाइल की हमने बात करी, उसके बाद बारी आती है टॉप रिक्रूटर्स की। तो बहुत सारी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो आपके टॉप रिक्रूटर्स हैं, तो आपके पास बहुत वाइड ऑप्शंस हैं। फर्नीचर डिज़ाइन बहुत अच्छा फील्ड है, आप इसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, आपको गाइडलाइन सर के थ्रू मिल गया है। तो सर जैसे हम अपने हर वीडियो में करते हैं कि हम जब एंड करते हैं वीडियो को तो एक स्टोरी के साथ करते हैं, तो आज जैसे हमने फर्नीचर डिज़ाइन पे बात करी है तो एक स्टोरी है सर जिसको मैं रिलेट करूँगा। बहुत बार ट्रेनिंग फील्ड में मेरे से ये सवाल भी पूछे जाते हैं, लोग मुझे बोलते हैं कि वरुण हमारा ना 80% तो सबके साथ रिलेशन ठीक है, बस एक इंसान हमें बहुत शिकायत देता है इसलिए हम उससे नाराज़ रहते हैं। तो मैं उनको बहुत बार एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे आज हमने फर्नीचर के बारे में बात करी, सर फर्नीचर में ना दीमक लग जाए ना तो वो पूरे फर्नीचर को खा जाती है। जी जी बिल्कुल। तो मैं लोगों को बोलता हूँ, मैंने कहा आप देखिए घर के अगर आपके एक दरवाजे में दीमक लग गई और अगर आप उसको ठीक नहीं करेंगे तो कुछ टाइम बाद वो फैल जाएगी और हो सकता है वो पूरे घर को खा जाए। जी जी। सो मैं उनको बोलता हूँ कि अगर एक रिश्ते में आप किसी से लड़ रहे हैं और आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और इतने उलझ गए कि वो बढ़ता ही चला गया, तो इसका मतलब क्या है, वो दीमक लग गई उसे एक रिश्ते में। तो क्या है, 20% आपकी ऊर्जा वो रिश्ता ले रहा है और आप कहीं और जाएंगे तो आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे जिससे आपके बहुत प्रिय रिश्ते हैं, आप उस इंसान को याद करते हैं कि अरे उस वो मुझसे नाराज रहता है और समथिंग लाइक दैट सॉर्ट। तो उससे क्या होता है कि हम बाकी रिश्तों में भी 80% ऊर्जा ही दे पाते हैं क्योंकि हमारी 20% ऊर्जा वो जो दीमक है, वो जो रिश्ते में प्रॉब्लम है वो खा रहा है। जी जी। तो ये मैसेज ये है कि जैसे आप उस दीमक को ठीक करते हैं जो दरवाजे में लग गई है जिससे कि पूरा घर सुरक्षित रहे, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब ऐसी कोई रिश्ते में उलझन आए तो कोशिश करिए उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ज़िंदगी बहुत खास स्पेशल है, हमें ऐसा नहीं है कि हज़ार
साल दुनिया में रहना होता है, बहुत लिमिटेड हमें मोमेंट्स मिलते हैं, उनको जीना पड़ता है और अच्छे से जीना हो चाहिए उनको। तो हम अपनी 100% ऊर्जा सबके साथ रिश्तों में बना पाएँ उसके लिए ज़रूरी है कि वो सॉर्ट आउट करें हम जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है। और उससे क्या होगा, एक बहुत खूबसूरत चीज़ होगी, लोगों को दिल में रखना शुरू करिए, क्योंकि अगर वो रिश्ते दिमाग में रहेंगे और आपस में लड़ेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी भी सफ़र करेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए और डिसाइड करिए कि क्या आपकी लाइफ में आपका पैशन है। अगर वो फर्नीचर डिज़ाइन है तो उसकी तरफ आगे बढ़िए एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच।